अरमान भाई, आप भोजपुरी के बहुत जाने माने पर्सनालिटी हैं और आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस मौके पर आप इकट्ठा हुए और आप किस मौके पर आप शामिल हुए। मैं इस रफ़ीक लतीफ़ शेख के बर्थडे पे शामिल हुआ हूँ और मैं दो फिल्म का अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एक है पहले रफ़ीक लतीफ शेख जी के किस चीज़ में आप शामिल हुए? बर्थडे में। अच्छा, सबसे पहले अभी जो आप जो बोलने जा रहे थे, मैं सोच रहा हूँ कि आज अगर आप बर्थडे पे शामिल हुए तो उनके लिए कोई गिफ्ट तो बनता है, कोई तोहफा तो बनता है। मैं उनको दो गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक सबसे पहला गिफ्ट है कयामत से कयामत तक, जिसके अंदर चिंटू पांडे हीरो रहेगा और डायरेक्टर रफ़ीक लतीफ़ शेख, और दूसरी पिक्चर में डायरेक्टर रहेगा रफ़ीक लतीफ़ शेख, जिसका नाम है बिहारी छेरा रांची के लेला। उसमें हीरो सस्पेंस है, हीरोइन है श्रिया मिश्रा। तो ये तोहफे की शुरुआत कब से होने वाली है? बहुत जल्द। तो आप आज रफ़ीक जी के इस शुभ अवसर पर, इस बर्थडे के मौके पर आप उनको क्या बधाई देना चाहेंगे? मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाए, उनकी पिक्चर या अली बजरंगबली बहुत सुपरहिट हो जाए। हाँ, या अली बजरंगबली के बारे में कुछ बताइए। या अली बजरंगबली एक बहुत अच्छी पिक्चर है। चिंटू जी को उस पिक्चर में कहाँ से कहाँ ले जाएंगी, आफ्टर दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, वो पिक्चर उसके बाद ही रिलीज़ होने वाली है। वो फिल्म बहुत बड़ी है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, उसके बाद आएगी या अली बजरंगबली। आपको क्या लगता है कि चिंटू जी के साथ आप दो फिल्में कर रहे हैं और कैसा फील हुआ उनके साथ काम करके? चिंटू जी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और बहुत उम्दे आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ हर टाइम पिक्चर करना चाहूँगा अगर वो करेंगे मेरे साथ तो। बिल्कुल, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने।